गाजियाबाद की साइबर सेल और नंदग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो लोगों को वीडियो कॉल करके न्यूड वीडियो बना लेते थे, फिर वायरल करने की धमकी देकर पैसे हड़पने का काम करते थे। इस मामले में पुलिस ने एक युवक सहित चार महिलाओं को गिरफ्तार किया। इस मामले में एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि यह गिरोह 2 वर्षों से NCR में सक्रिय है। गिरोह का सरगना लड़कियों को 25,000 रुपये महीने की सैलरी देता है। गुजरात के रहने वाले व्यापारी से गिरोह ने 80 लाख रुपये अपने अकाउंट में जमा करवा लिए और इसके बाद व्यापारी ने साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल में सामने आया कि यह गिरोह बेहद ही शातिर किस्म का है। वहीं पुलिस ने IT एक्ट मुकदमा दर्ज कर उनके पास से मोबाइल लैपटॉप बरामद किए। बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है और इनके पास से भारी मात्रा में चेकबुक, पासबुक, आधार कार्ड, वेब कैमरा बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा हमको ये सूचना मिली कि उनके तुषार नामक एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने उनको सेक्सटॉर्शन करके लगभग 80 लाख रुपए की ठगी करी है। सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने अपनी टीमें बना दी जिसमें साइबर सेल और नंदग्राम थाने की फोर्स थी। इसी सूचना के फलस्वरूप हम लोगों ने एक सेक्स रैकेट पकड़ा है जो कि लोगों से स्ट्रिप चैट नामक एक वेबसाइट पे जो रजिस्टर करते थे उनसे पहले स्ट्रिप चैट पर बात करते थे, इसके एवज में उन्हें स्ट्रिप चैट से कुछ पैसे मिला करते थे। उसके बाद जब इनको लगता था कि ये मुनाफा ये बढ़ा लें तो जो लड़कियां इनके यहाँ काम करती थी वो लोग अपना पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दिया करती थी इनको और उसके बाद व्हाट्सएप पे चैट करने के बहाने उनको उनकी न्यूड वीडियो बना लिया करती थी और उसके बाद उनको सेक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे की उगाही करा करती थी। देखिए ये कृत योगेश गौतम नामक व्यक्ति एवं उनकी वाइफ सपना गौतम ये गैंग की सरगना थी। इनके साथ 3 लड़कियां और गिरफ्तार हुई हैं। ये लोग 2 साल से काम कर रहे थे। इन लोगों ने कई 100 लोगों को इसका शिकार बनाया है और मौके से इनके पास से 8 बैंक अकाउंट हमको मिले हैं जिसमें कि 4 बैंक अकाउंट की सूचना हमारे पास आ गई है। बाकी 4 अकाउंट की जो सूचना हमको आई है उसमें लगभग 3,80,00,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था। सभी अकाउंट पुलिस ने फ्रीज करा दिए हैं और बाकी अकाउंट्स की डिटेल हम जल्दी पता करके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, 5 अभियुक्त फोन का सिम यूज करते थे, किन किन के नाम पे लौटते? देखिए सिम की अभी हम ड्यूरिंग विवेचना इसकी जानकारी लेंगे। इनके पास से हम लोग को लैपटॉप्स मिले हैं, पैन कार्ड मिले हैं, इनके पास से कुछ सेक्स टॉयज मिले हैं, विमेन अंडर गारमेंट्स मिले हैं, कुछ संभवतः चांदी धातु के कुछ आभूषण मिले हैं, कुछ कैश बरामद हुआ है और आगे की जो भी कार्रवाई दौरान विवेचना हम लोग करेंगे।